ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। यमुनानगर में आम आदमी पार्टी ने मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाने की शुरुआत कर दी है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। ऐसे में पार्टी ने कई सार्वजनिक स्थलों पर भी इस तरह के पोस्टर लगा दिए हैं। रोडवेज की एक बस और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बाहर भी इस तरह के पोस्टर लगाए गए। हालांकि पोस्टर सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और पोस्टर लगाते हुए कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। इसी बीच आम आदमी पार्टी के क्षेत्र प्रभारी चित्रा सरवारा भी उस क्षेत्र में पहुंची। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। मैडम, सरकार इस पोस्टर का विरोध कर रही है और आप लोग पोस्टर लगा रहे हो, क्या है इस पोस्टर में? देखिए, हम समझते हैं कि सरकार जब इस पोस्टर का विरोध कर रही है तो वो हर हिंदुस्तानी के अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का विरोध कर रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टली हर एक नॉर्मल सिटीजन को उसका जो राइट टू एक्सप्रेशन है वो डिनाई कर रही है। और अगर आप इस पोस्टर में देखें तो उसमें ऐसी क्या बड़ी बात है, मोदी हटाओ देश बचाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही? एक राजनीति का आम नारा रहा है। कल क्या होगा, कल किसी ने रैली में मोदी हाय हाय बोल दिया था क्या, उस पर भी केस कर दिया जाएगा? और अगर इस मोदी हटाओ पोस्टर के पीछे अगर 300 के करीब FIR हो सकती है तो केजरीवाल हटाओ जो पोस्टर कुछ लगाए गए उनके बारे में सरकार ने और हमारे पुलिस तंत्र ने क्या कदम उठाया? आज साफ है, कहने को अमृतकाल है पर आज देश में आपातकाल है और ये सब भाजपा की सोची समझी साजिश के तहत है। उन्हें साफ नज़र आ रहा है कि 2024 में अब वो वापस सत्ता में नहीं आ रहे, तो अपनी हड़बड़ाहट में, खलबली में, परेशानी में जो आज वो हर जगह विपक्ष को खरीदने में, तोड़ने में, दबाने में और जेल में बंद करने में लगे हैं, इसका पुरजोर विरोध हर पार्टी, हर व्यक्ति और मैं समझती हूँ देश का हर भारतवासी आने वाले समय पर करेगा। भाजपा कितने भी पोस्टर फाड़ ले ये दीवारों से, लेकिन आज ये पोस्टर देश की जनता के दिमाग में चिपक चुका है, उसे वहाँ से कैसे